गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज प्रियंक पटेल एंड आई एम फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एलजे पॉलिटेक्निक अहमदाबाद। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लिमिट फिट्स और टॉलरेंस के बारे में। तो सबसे पहले लिमिट की बात करें तो लिमिट किसे कहा जाता है? तो जब भी कोई मशीन का पार्ट डिजाइन किया जाता है तो उसके कोई भी पार्ट का एक डिजायर्ड डायमेंशन होता है। अब प्रैक्टिकल लिमिटेशंस के कारण वो एग्जैक्ट डायमेंशन अचीव नहीं किया जा सकता, जिसके कारण उस ओरिजिनल डायमेंशन के आसपास का कोई भी डायमेंशन जो है उसे प्रैक्टिकली एडॉप्ट किया जाता है। तो वो जो वेरिएशन होता है जिसे हम अलाउ करते हैं उसे लिमिट कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताऊँ कि हम मशीन का एक शाफ्ट डिजाइन कर रहे हैं जिसका डायामीटर 10 mm है। अब प्रैक्टिकल लिमिटेशन के कारण एग्जैक्ट 10 mm हम अचीव नहीं कर सकते, जिसके कारण हम 10.1 या फिर 9.9 इन दोनों वैल्यू के बीच में कोई भी वैल्यू को ले लेंगे और उसे प्रैक्टिकली अडॉप्ट कर लेंगे, जिसके कारण वो मशीन के अंदर प्रॉपर परफॉर्मेंस दे पाएगी। तो ये जो वेरिएशन है इसे लिमिट कहा जाता है। अब लिमिट के नॉर्मली दो टाइप है, पहला है अपर लिमिट और दूसरा है लोअर लिमिट। अगर अपर लिमिट की बात की जाए तो जो ओरिजिनल डायमेंशन है उससे मैक्सिमम वेरिएशन जो होता है उसे अपर लिमिट कहा जाता है। मतलब कि 10 mm की जो लिमिट थी, मतलब 10 mm का जो डायमेंशन था उसके ऊपर हमने 0.1 mm अलाउ किया, मतलब कि जो मैक्सिमम वेरिएशन आया उसे अपर लिमिट कहा जाएगा। और जो लोअर लिमिट है उसका मतलब होता है कि मिनिमम जो डायमेंशन है जिसे हम अलाउ करते हैं, यानी कि 9.9 mm, तो इसे कहा जाएगा लोअर लिमिट। उसके बाद जो है वो है फिट्स। अब फिट की बात की जाए तो जब भी मशीन के अंदर कोई दो पार्ट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं या फिर मैट होते हैं तो उनके बीच की जो डिग्री ऑफ टाइटनेस है उसे फिट कहा जाता है। अब आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं कि एक मशीन के अंदर जब होल और शाफ्ट को एक दूसरे के साथ फिक्स किया जाता है तो वो शाफ्ट और होल के बीच की जो ग्रिप होती है, जो टाइटनेस होती है, उसे फिट कहा जाता है। अब फिट के नॉर्मली तीन टाइप है। सबसे पहला है क्लियरेंस फिट, दूसरा है इंटरफेरेंस फिट और तीसरा है ट्रांजिशन फिट। अब यहां पर हम क्लियरेंस फिट के बारे में बात करते हैं। तो क्लियरेंस फिट के अंदर क्या होता है कि जो शाफ्ट का डायामीटर होता है, शाफ्ट की जो साइज होती है वो होल की साइज से छोटी होती है, जिसके कारण जो मोशन है या फिर मूवमेंट है शाफ्ट की वो होल के अंदर इजीली हो पाती है। वो स्लाइडिंग मोशन हो या फिर रोटेशनल मोशन हो, दोनों मोशन यहां पर पॉसिबल है। उसके बाद आएगा इंटरफेरेंस फिट। अब इंटरफेरेंस फिट के अंदर एग्जैक्ट ओपोजिट सिचुएशन होती है क्लियरेंस फिट से, यानी कि यहां पर शाफ्ट का जो साइज है वो बड़ा होता है और होल का जो साइज है वो छोटा होता है। मतलब कि यहां पर शाफ्ट की कोई भी मूवमेंट नहीं होती और इसका यूज नॉर्मली जहां पर एक्सट्रीम फिट चाहिए वहां पर ही किया जाता है। उसके बाद जो लास्ट है वो है ट्रांजिशन फिट। और ट्रांजिशन फिट के अंदर होल और शाफ्ट इन दोनों की जो साइज है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती है, क्योंकि ये जो है इसके अंदर डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस जो है वो हम वेरी कर सकते हैं। मतलब कि कई ऐसे मटेरियल है जो थर्मल एक्सपांशन करते हैं तो उन मटेरियल्स को जब यूज किया जाता है तब ट्रांजिशन फिट का यूज किया जाता है। यानी कि कोई मशीन ऐसा है जो हाई टेम्परेचर के ऊपर काम करता है मगर वो जब बंद होता है तो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर होता है, तो उन सिचुएशन में ऐसे पार्ट्स का यूज किया जाता है ताकि वो हाई टेम्परेचर के ऊपर अपनी जो डिग्री ऑफ टाइटनेस या लूजनेस है वो वेरी कर सके। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर टॉलरेंस। अगर टॉलरेंस की बात की जाए तो वो लिमिट से मिलता जुलता है, मतलब कि मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट इन दोनों के बीच की जो विंडो है उसे टॉलरेंस बोला जाता है। मतलब कि मैंने जो एग्जांपल दिया था उसके अंदर हम 10.1 और 9.9, 10.1 अपर लिमिट थी और 9.9 लोअर लिमिट थी, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसे टॉलरेंस कहा जाता है। मतलब कि 10.1 माइनस 9.9, मतलब कि 0.2 mm जो है वो टॉलरेंस होगा, जो यहां पर आप फिगर के अंदर इजीली देख सकते हो। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। देखने के लिए आपका धन्यवाद।